नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कार पॉइंट हिंदी के एक और नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आज का जो वीडियो है मुझे लगता है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अगर आप नए ड्राइवर हैं या आप बिगनर हैं या आपको इंजन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, गाड़ी के बारे में जानकारी नहीं है, तब आप भी ऐसी गलती कर बैठते हैं। तो आज हम दोस्तों जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो हमारे एक सब्सक्राइबर मित्र ने पूछा है। उनका कहना है कि गाड़ी का इंजन सीज क्यों हो जाता है और इस सीज होना होता क्या है। तो आज हम जानेंगे दोस्तों इंजन सीज होने के क्या मुख्य कारण हैं और ये इंजन सीज होना कहते किसे हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि इंजन सीज का मतलब क्या है। इंजन सीज का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी का इंजन पूरी तरह से फेल हो जाए और आपकी गाड़ी का इंजन घूमना ही बंद कर दे। इंजन सीज हो जाता है तब आपकी गाड़ी के पिस्टन वगैरह मेल्ट हो जाते हैं हीटिंग की वजह से, कनेक्ट रोड वगैरह जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो पूरी तरह से जो इंजन है वो घूमना ही बंद कर देता है, बिल्कुल जाम हो जाता है। तो उसे कहते हैं इंजन सीज होना। अब इसके मुख्य कारण क्या हैं, अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे उसमें बहुत सारे कारण बताए होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मुख्यतः दो ही कारण हैं, जो कि ये आपकी गाड़ी का कूलिंग सिस्टम प्रॉपर काम ना करे तब इंजन सीज हो सकता है, या आपकी गाड़ी का जो इंजन ऑयल है वो ख़त्म हो जाए तब इंजन सीज हो सकता है। अब कूलिंग सिस्टम में भी दो तीन चीज़ें हैं जो कि हम अभी जानने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इंजन ऑयल किस तरह से ख़त्म हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आप बिगनर हैं, नए ड्राइवर हैं और आपको जानकारी नहीं है, आप गाड़ी चलाते हैं, मान लीजिए आपकी गाड़ी नीचे से किसी पत्थर से टकरा जाती है और गाड़ी का जो इंजन का चैम्बर होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये इंजन चैम्बर है, गाड़ी का जो इंजन ऑयल होता है इसके नीचे ही आ जाता है, इसमें ही आ जाता है, माफ़ कीजिएगा, जब हमारी गाड़ी खड़ी होती है, जब गाड़ी चलती है तब भी यहाँ पर एक पंप के द्वारा सारा इंजन को सक करके इंजन के सही पार्ट में भेजा जाता है। तो ये इंजन चैम्बर अगर टूट जाए तो सारा इंजन ऑयल निकल जाएगा और आप ध्यान नहीं देंगे, गाड़ी टकराने के बाद आप गाड़ी को चलाते ही रहेंगे और इंजन ऑयल सारा यहाँ से निकल जाएगा तो इंजन सीज हो जाएगा, क्योंकि इंजन बिना इंजन ऑयल के चलने के कारण काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाएगा। हीट होने की वजह से जो इंजन के पार्ट हैं वो मेल्ट हो जाएंगे और आप आपस में चिपक जाएंगे। तो पहला तो यही मुख्य कारण है, आप बिना देखे गाड़ी को चलाते रहेंगे तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो मैं बता रहा हूँ कूलिंग सिस्टम का फेल होना, अब कूलिंग सिस्टम का फेल होने के अलावा भी, जैसे कि मान लीजिए कूलेंट ही ख़त्म हो जाता है, अब जनरली ऐसा होता बहुत ही कम है, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया इंजन का जो चैम्बर है अगर वो टूट जाता है किसी पत्थर वगैरह से गाड़ी टकराएगी, सेम इसी तरह से अगर हमारी गाड़ी का रेडिएटर नीचे से टूट जाता है और कूलेंट पूरा लीक हो जाता है और आप गाड़ी को चलाते रहते हैं तो हमारी गाड़ी का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाएगा, जिससे इंजन सीज हो जाएगा ओवरहीटिंग की वजह से। तो मेन जो चीज़ है, ओवरहीट होने के बाद ही इंजन सीज होता है। तो हमारी गाड़ी का जो रेडिएटर होता है ना, नीचे से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कूलेंट को बाहर निकालने के लिए ये केप लगा हुआ है, आप देख पा रहे हो, ये जो पार्ट है ये रेडिएटर का है, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं पूरा रेडिएटर का है। अगर ये टूट जाएगा या गाड़ी कभी टकरा जाती है किसी चीज़ से और आप ध्यान नहीं देते, कूलेंट निकल जाए, तो फिर कूलिंग सिस्टम काम नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ तो आपने ये चीज़ समझ ली कि कूलेंट ख़त्म हो जाता है तो फिर जो है ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि हमारी गाड़ी का वाटर पंप अगर काम ना करे, ये ख़राब हो जाए, ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाटर पंप है, अगर ये ख़राब हो जाता है तो कूलेंट पूरे इंजन में सर्कुलेट ही नहीं होगा, यानी गर्म कूलेंट ही जो है इंजन में भरा रहेगा, ठंडा होकर कूलेंट यहाँ पर आएगा नहीं, जिससे इंजन को ठंडा नहीं कर पाएगा वो। तो पहला रीज़न तो हमने जाना कि कूलेंट ख़त्म होना, दूसरा रीज़न है हमारी गाड़ी का वाटर पंप ख़राब हो जाना या हमारी गाड़ी का कूलिंग सिस्टम ख़राब हो जाना। अब ये जो है ख़राब ना हो तो एक रीज़न और है, जो हमारी गाड़ी का ये जो आप बेल्ट देख रहे हैं जो कि मेन इंजन की पुली से जुड़ा हुआ है, जिससे हमारी गाड़ी का जो अल्टरनेटर है और जो ये जो आप देख रहे हैं ना जिसको हम कहते हैं वाटर पंप, तो वाटर पंप जो होता है ना वो घूम नहीं पाएगा अगर ये ट्राई बेल्ट टूट जाएगा तो वाटर पंप अगर घूमेगा नहीं तो कूलिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करना बंद कर देगा, तो फिर जो है इंजन सीज हो जाएगा आपका, आप अगर ध्यान नहीं देंगे। हालांकि कई सारे सेंसर लगे होते हैं जिससे डैशबोर्ड में वार्निंग लाइट आ जाती है, ओवर हीटिंग की लाइट आ जाती है, अगर फिर भी आप ध्यान नहीं देते, जैसा कि मैंने कहा अगर आप नए ड्राइवर हैं तो इतनी चीज़ें आप नहीं समझ पाते, तो फिर जो है ऐसा हो सकता है आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो जाए। तो ये चीज़ें हैं, अगर मेन चीज़ की बात की जाए तो कूलेंट प्रॉपर होना ज़रूरी है, अगर कूलेंट कहीं रिस जाता है, निकल जाता है तो फिर इशू आ सकता है, ड्राइव बेल्ट अगर टूट जाता है या फिर आपकी गाड़ी का वाटर पंप काम नहीं करता है तो इशू आ सकता है, या गाड़ी टकराने की वजह से नीचे से जो इंजन ऑयल है वो लीक हो जाता है, चैम्बर टूट जाता है, तो इशू आ सकता है।
तो ये सब चीज़ें होने से हमारी गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है, और इंजन सीज होना क्या होता है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।